जय श्री कृष्णा, श्री राधे। मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो न्यास, ध्यान, विनियोग के बारे में है। नहीं आता तो क्या करना जरूरी है, बार बार करना जरूरी है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें विनियोग की, विनियोग की मैं वीडियोस में डाल चुका हूँ कि विनियोग क्यों किया जाता है। विनियोग भगवान की या देवी देवता की, आप जिस भी स्वरूप का पाठ कर रहे हैं, स्तोत्र कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, स्तोत्र स्तुति का मतलब होता है आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। किसी को प्रसन्न, यदि किसी से कोई कार्य करवाना होता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो कार्य कर देता है। इसी प्रकार भगवान की स्तुति स्तोत्र प्रशंसा करना होता है। कवच का पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो विनियोग का मतलब होता है उनको प्रसन्न करना कि भगवान मैं आपका ये जप कर रहा हूँ। पहले आपकी विनियोग कर जल हाथ में लेकर पात्र में डाला जाता है, उनको अपने अनुकूल किया जाता है, ये होता है विनियोग, प्रसन्न करना। ध्यान का मतलब होता है भाई आप जिस भी आपकी आस्था है, विश्वास है, आप उस आस्था विश्वास को एक स्वरूप दे रहे हैं, भगवान निराकार हैं। आप भगवान के किस स्वरूप को ध्यान करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं? भगवान नारायण की जैसे आप मान लो ध्यान करते हैं, जप कर रहे हैं, तो आपको उस उनकी जो छवि है, जैसे कि भाई हम मानते हैं उनका नील वर्ण है, चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में सारंगी धनुष, कौमुद की गदा, कमल पुष्प, सुदर्शन चक्र है, ये छवि हमारे अंदर छप जानी चाहिए और हम इसी चीज़ का हमको ध्यान करना चाहिए। मुखारविंद किस तरीके का है, कमल नयन किस प्रकार है, मुख पे छवि कैसी है, इन चीजों का हम ध्यान करते हैं। कैसे वस्त्र धारण करते हैं, भगवान शिव का अगर हम ध्यान करते हैं तो तीन नेत्र हैं, चंद्रमा, चंद्रमौली भगवान चंद्रमा सिर पर धारण करते हैं, गले में वासुकी नाग शोभा पाता है, माता पार्वती के साथ भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय जी के साथ, नंदी जी के साथ विराजमान रहते हैं, तो ये भगवान शिव का ध्यान है। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और उनके जिस स्वरूप को हम ध्यान करना चाहते हैं उसकी ओर हम अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं, ये होता है ध्यान। बात करें न्यास की, न्यास में वो शक्ति निहित होती है और उस न्यास से वो शक्ति हम हमारे शरीर से जोड़ते हैं। मान लो पहले समय था लोगों को संस्कृत आती थी, इस समय संस्कृत नहीं आती तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। देखिए, बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही विनियोग की, ना ही न्यास की, ना ही ध्यान की। आप कुछ भी कीजिए, सिर्फ शुरू में करना होता है। अब मान लीजिए बात करें, आपने पूछा कि न्यास करें कि नहीं करें। अगर आपको न्यास नहीं आता है तो आप इस चीज में मन मत फंसाइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। भगवान को आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास पसंद है तो आप उस पे ही रहिएगा। 24 घंटे में आप दो भी नाम उनका लेते हैं तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, आपका काम हो जाता है। जितने भी भक्त हुए हैं पहले के, ध्रुव, प्रहलाद आदि, इनको किसने न्यास, ध्यान का कवच धारण करवाना ताकि रक्षा हो सके, किसने बताया था? किसने भी नहीं बताया। लॉजिक की बात है, नहीं पता है तो आप उस चीज पर ध्यान मत दीजिए। न्यास, ध्यान, विनियोग
ये जो चीजें हैं ये कर्मकांडी ब्राह्मण की होती है, जो नित्य पूजा पाठ करते हैं, जिनका धर्म होता है दूसरे के घर पे जाके सेवा पूजा पाठ करवाना, मंत्र जाप करवाना, घर की शुद्धि करवाना। क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती है, अगर आप किसी की रक्षा करेंगे तो वो आप पर भी हावी होंगी, तो वो उनके लिए न्यास जरूरी है, उनके लिए कवच जरूरी है, कोर लगाना जरूरी है। बाकी आप सभी जानते हैं भरत भाई, ध्रुव और प्रहलाद जब जंगल में गए तो इनकी किसने कोर लगाई थी, कौन सी रक्षा होती थी? ये तो खाली जाए गए, मन में एक संकल्प लिया कि भगवान को पाना है, बस चल दिए। जंगल में हिंसक जानवर भी थे, चोर डाकू लुटेरे सब थे, कोई कोर नहीं लगाई, कोई न्यास का जाप नहीं किया, सिर्फ मंत्र था उसका जाप करते रहे। तो आपके अंदर की श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, दृढ़ संकल्पता आपके लिए काम आएगी, त्याग समर्पण दया काम आएगी, प्रेम काम आएगा, वो चीज आप रखिएगा। बस ध्यान कीजिए उन किसी भी स्वरूप का, भगवान शिव का ध्यान करते तो भगवान शिव, भगवान नारायण, माँ दुर्गा, गणेश जी, कैसा भी स्वरूप आप उसका ध्यान कीजिए और उनके चरणों का से ध्यान उनके चरणों से शुरुआत कीजिएगा और फिर मुखारविंद पर आइएगा, अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। ध्यान के भी नियम होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि फालतू के संदेह ना पालें और बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जो संदेह रखते हैं, घर में आपके घर में भी माता पिता, आपके भाई बंधु, पड़ोस में या मंदिर में भी अगर आप किसी को देखते हैं तो उनको भी आप ये चीज बता दीजिएगा कि कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आप जो चीज आपको अच्छी लगे वो पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। आप मान लीजिए आपका ध्यान हट गया तो कोई बात नहीं, आप उस चीज को वापस से शुरू कर दीजिए, फिर पढ़िए। पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़िए लेकिन मन लगा के पढ़िए, आपको पूर्ण फल मिलेगा। आपने सोच लिया, भगवान पर विश्वास रख लिया और आप पढ़ने बैठ गए तो आपको तो फल वैसे ही मिल जाएगा, ये गारंटी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लोगों को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधा।